रही है ना, अंदर बहुत अंधेरा लग रहा है। आज चांद आकाश में नहीं, मेरे कमरे में। उजाला सिर्फ यही है, बाकी पूरे जगत में अंधेरी रात है। सागर जी, अब आप दूध पी लीजिए। पानी है पर दूध समझ कर पी लीजिए। मैं सच में बहुत खुश नसीब हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। मैं और मैं भी, जैसे सागर के मिलन से मही के अस्तित्व को नया रूप मिलता है ना, वैसे ही मुझे भी मिला है। गुड मॉर्निंग हनी। मॉर्निंग श्रीराज। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अरे वाह मही, तुम्हारी तो जितनी तारीफ करे उतना कम। कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, लाइट ब्लू, पिंक एंड डार्क ब्लू, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम पर बहुत ही जच रहा है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। हमारे गांव में ना रफी टेलर है, वही बनाते हैं मेरे ड्रेसेस। और पता है भाभी, आणंद जिले में ना उनके दुकान के बाहर तो लंबी लाइन लग जाती है, और लाइन के पीछे से मैं ऐसे हाथ करूँ ना तो सबसे पहला मेरा ड्रेस बनाते वो। अच्छा है ना? मैं आपको भाभी बुलाऊं तो चलेगा ना, या फिर दीदी भी कह लूंगी? नो प्रॉब्लम। तुम अगर मुझे भाभी कहना चाहो या दीदी कहना चाहो, जो तुम्हें कंफर्टेबल हो तुम ऐसे ही बुला। तो तुम भाभी फाइनल रखते, भाभी। सागर भैया। हाँ भाभी। आपने तो मही के काफी सारे फोटोज लिए होंगे, नहीं? तो फिर एक आध दो एनलार्ज करके घर पे भी लगाओ। अब तो हमारे घर की बहू है, और मही एक आध दो अच्छे पिक्चर हमारे साथ भी हो जाए। हाँ, फैमिली फोटो तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल भाभी, और मैं तो कहती हूँ अभी फोटो खिंचवाते हैं पूरी फैमिली के साथ। बस एक बार सासू मां आ जाए, फिर फैमिली के साथ फोटो खिंचवाएंगे। फैमिली ऐसे मॉम के आने का वक्त तो हो गया है, बस अभी आते ही होंगे।
मासूम आएंगे ना, तो सबसे पहले उनसे माफी मांग लूंगी। सागर जी अभी तक आए क्यों नहीं सासू माँ, और उनका तो आने का भी टाइम हो गया है ना भाभी? रिलैक्स मही, आ जाएंगे। मॉम ने एक रूल बनाया है कि पूरी फैमिली सुबह साथ में ही नाश्ता करती है। पर कब आएंगी? नाश्ता ठंडा हो जाएगा तब आएंगी क्या? आप जाके देखिए ना, आई क्यों नहीं अभी तक वो। एक मिनट, मैं उन्हें लेकर आता हूँ।